हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एनालाइज करने वाला हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक सोचने वाला मुद्दा है कि DSSB जो रिजल्ट देता है उसकी प्रक्रिया बहुत धीरे है। क्या कमी है? क्या एम्प्लॉयज इतने नहीं है या क्या कमी है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, DSSB के अंदर जो MCD PRT का एग्जाम हुआ था, उससे पहले काफी ऐसे एग्जाम हुए थे जिनमें कैंडिडेट्स की संख्या भी बहुत कम थी। जैसे हम बात करें NTT और TGT PGT के भी काफी एग्जाम थे और उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। तो जो मैंने एनालाइज किया है, जो मैंने सोचा है कि PRT के अंदर औरों की तुलना काफी कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी जो PRT का रिजल्ट आ गया पहले, उसका कारण क्या था। साथियों, इसका जो कारण है, जैसा कि आप जानते हैं कि PRT कैंडिडेट्स वो कोई भी हो सकता है। बहुत सारी जगह कुछ केजरीवाल जी से मिले थे रिजल्ट के लिए कि रिजल्ट कब आएगा, धरना दिया जा रहा था। इसके बाद तो RTI लगाई जा रही थी, मेल किया जा रहा था, अशोक अग्रवाल जी से मतलब उनको ट्वीट किया जा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई MCD PRT के लिए। तो MCD PRT का रिजल्ट जो आपने देखा काफ़ी जल्दी आ गया, मतलब हम जल्दी नहीं बोल सकते, लेकिन और रिजल्ट्स की तुलना में बहुत जल्दी आ गया। हालांकि जो DSSB का प्रोसीजर था वो क्या था कि पहले TGT का उस सॉरी पहले PGT, फिर TGT, और उसके बाद फिर ये बाद में और रिजल्ट आएंगे, मतलब जैसे एग्जाम हुए हैं उसी हिसाब से। लेकिन NTT के बारे में एक सोचने वाला मुद्दा बन गया है, क्योंकि NTT का क्या है कि कैंडिडेट्स इतने सारे नहीं हैं, कैंडिडेट्स इतने सारे नहीं हैं, और इस वजह से क्या है कि उसके रिजल्ट पे अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि हमसे जितना पॉसिबल हो पाया या हो पाएगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन DSSB NTT का रिजल्ट अभी क्यों नहीं दे रहा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि साथियों, एक बात और बता देता हूं आपको, DSSB के अंदर जो मेरा अंदाजा है, DSSB के अंदर अभी भी काफी रिजल्ट बने हुए रखे होंगे, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि 20 तारीख का रिजल्ट 28 को डाल रहे हैं, या 1 तारीख का रिजल्ट 10 तारीख को डाल रहे हैं। जो पेज पे डेट लिखी होती है, डेट होती है उस पे 1 तारीख, और रिजल्ट आ रहा है 10 तारीख को। तो ये एक डर सा होता है कि यार ये क्या हुआ, लेकिन होता है क्या है कि वो रिजल्ट तैयार होते हैं। हालांकि मैं समझ रहा हूं कि इनके अंदर भी क्या होता है, प्रक्रिया होती है इनकी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे रिजल्ट एक साथ दे दिए, फिर EDOGR वगैरह इनको भी काम करना होता है, चेक करने होते हैं, EDOGR भी चेक करने होते हैं, या रिजल्ट के लिए नोटिस भी डालना होता है, कुछ एग्जाम जो चेक नहीं हुए हैं उनका रिजल्ट भी निकालना होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है। लेकिन NTT के बारे में बात करें, या मतलब अभी स्पेशल का जो फाइनल रिजल्ट रह रहा है, DSSB ने पहले बोला था कि फाइनल रिजल्ट हम दे देंगे, इसके बाद PGT और TGT के भी काफी एग्जाम हैं जो जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो साथियों, एक चिंता का विषय है कि दिल्ली के अंदर, हम बात करें राजधानी के अंदर, इस टाइप का एक बोर्ड है और वो काम इतना वैसे ही कर रहा है, मतलब बहुत स्लो काम हो रहा है। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज की वहां पर कमी है तो गवर्नमेंट को जरूर एम्प्लॉयज वहां पे अरेंज करने चाहिए, जिससे कैंडिडेट्स का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। मैं टीचिंग लाइन के लिए, जैसे मैंने देखा है तो टीचिंग लाइन का लगता है कि काम सही है, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं कि 2012-13 में फॉर्म भरे हुए, अभी भी एग्जाम नहीं हुए हैं, इसके बाद रिजल्ट नहीं आए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं। तो गवर्नमेंट को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और रही बात NTT की स्पेशल की,
तो इनके बारे में भी जब तक आप लोग अवेयर नहीं होंगे तो तब तक मुझे नहीं लग रहा कि रिजल्ट वो दे देंगे। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।